सो है एवरीवन, वेलकम टू तैयारी विद विपिन। तो आज के अपने सेशन में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। आप सब जानते हो कि हमारी बीएड सेकेंड ईयर की ये सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और अभी तक हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक पेपर फर्स्ट या सेकेंड की वीडियोज नहीं देखी है तो प्रॉपर वीडियोज के सेक्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में बीएड सेकेंड ईयर का एक प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज है हमारे पेपर थर्ड का नंबर। पेपर थर्ड को भी हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। टोटल आपको इस पेपर में 16 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने? 16 टॉपिक हैं। एक एक पार्ट में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, तो अगर पहली बार वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए जिनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, नई तैयारी है, नई चीजें हैं। तो एक बार अगर आप वीडियो फॉर्मेट में सारी चीजें देख लोगे तो आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। सबसे पहले जो पेपर थर्ड है आपका, वो है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हो शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। तो इस टॉपिक में, यानी कि इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर फर्स्ट देखो। टॉपिक नंबर फर्स्ट का जो आपका नेम है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, यानी कि शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार। यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो साइकोलॉजिकल होंगे, जिनको आप खुद के सेंस का यूज करके इजिली सॉल्व कर सकोगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिंपल सा कहना है कि नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे आप किसी चीज का नेतृत्व कर रहे हो, तो नेतृत्व करने का मतलब होता है कि आप सबसे आगे आगे चल रहे हो। तो नेतृत्व शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आगे आगे चलना। नेतृत्व शब्द किसका बोध कराता है? तो नेतृत्व शब्द बोध कराता है अनुकरणीयता का। अनुकरणीयता का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं तो इसका मतलब कि आपको मेरी सारी बातों का अनुकरण करना होगा। तो नेतृत्व शब्द जो है वो अनुकरणीयता का बोध कराता है। नेतृत्व की प्रभावशीलता किस पे निर्भर करती है? नेतृत्व की जो प्रभावशीलता है वो अनुयायी अनुयायियों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं तो मेरे उस नेतृत्व को मानने वाले कितने लोग हैं, कितने मेरे अनुयायी हैं, ये डिपेंड करेगा कि नेतृत्व कितना ज्यादा प्रभावशील है। अगर मेरा नेतृत्व जो है वो बहुत अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे अनुयायी जो हैं, जो मेरे पालन का मतलब मेरे बातों का पालन करने वाले हैं, वो भी ज्यादा होंगे। तो नेतृत्व की जो प्रभावशीलता है वो डिपेंड करती है अनुयायियों की संख्या पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? ये मार्टिन एम ब्रॉम्बेल का कहना है। किसका कहना है? मार्टिन एम ब्रॉम्बेल का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व की परिभाषित नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि नेतृत्व वह व्यवहारत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है? ये बात चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कि कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। नेतृत्व की यह परिभाषा किसने दी? नेतृत्व की यह परिभाषा मैरी पार्कर फॉलेट ने दी। किसने दी? मैरी पार्कर फॉलेट ने। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के टोटल तीन प्रकार हैं। फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के टोटल तीन प्रकार हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन फॉलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि तीन कौन कौन से प्रकार हैं, और जो एक नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। पिछला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं, तो आपने ये तो जान लिया कि तीन प्रकार हैं, बट वो तीन है कौन कौन से और कौन सा एक ऐसा ही इस ऑप्शन में जो नहीं है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फॉलेट ने जो नेतृत्व के प्रकार बताए हैं उनमें से व्यक्ति जनित नेतृत्व एक टाइप है, पद जनित नेतृत्व दूसरा टाइप है, कार्य जनित नेतृत्व तीसरा टाइप है, प्रतिभा जनित नेतृत्व कोई टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको यह भी पता लगा कि नेतृत्व के कौन कौन से टाइप फॉलेट ने बताए हैं, और ये भी पता लगा कि नेतृत्व का कौन सा टाइप इनमें से नहीं है। आगे चलिए, किसने नेतृत्व के सात टाइप बताए हैं? किम्बल यंग के अनुसार नेतृत्व के टोटल सेवन टाइप्स हैं।
किम्बल यंग द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार कैसा है? तो किम्बल यंग द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार आध्यात्मिक नेता है। कैसा है? आध्यात्मिक नेता। बोगार्ट्स ने नेता के कितने प्रकार बताए हैं? तो बोगार्ट्स के अनुसार नेता 5 प्रकार के होते हैं। मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं जिसमें से शामिल है, तो 4 में से आपको बताना है कि कौन कौन से वो प्रकार हैं नेतृत्व के जो मान्यता के आधार पर हैं। तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं ये सारे ही सही हैं। मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार हैं जिसमें स्वतः नियुक्त, कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त, समूह द्वारा नियुक्त, ये सारे टाइप हमारे आते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार कौन से हैं? तो मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार हैं कौन से? प्रजातांत्रिक एवं राजनैतिक। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेतृत्व के मोटे तौर पर 2 प्रकार हैं, एक प्रजातांत्रिक और दूसरा राजनीतिक। किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बोगार्ट्स ने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है? तो ये विद्वान है बोगार्ट्स। कौन सा विद्वान है ये? बोगार्ट्स। अगला क्वेश्चन, निरंकुशवादी नेतृत्व तो होता है, तो जो निरंकुशवादी नेतृत्व तो होता है ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व तो के ठीक विपरीत होता है। ध्यान रखिएगा कि निरंकुशवादी जो नेतृत्व तो है ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व तो के ठीक विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और अन्य सदस्यों को राज या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है? तो वो है आपका राजतांत्रिक नेतृत्व। राजतांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है? पूरी की पूरी सत्ता एक ही व्यक्ति के पास निहित होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रधानमंत्री हो गया, आपका मुख्यमंत्री हो गया, ये सारे राजनीतिक नेतृत्व ही तो कर रहे हैं। और इसमें सत्ता मेनली किसके पास है? जो हमारा सत्ता पक्ष का नेता होता है। किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों तथा सुझावों को वांछित महत्व देता है? तो ध्यान रखिएगा, ना ही प्रजातांत्रिक, ना ही निरंकुशवादी और ना ही राजनीतिक, ये तीनों नेतृत्व तो ऐसे हैं जहां पे नेता क्या करता है, अपने सभी या मैक्सिमम सदस्यों की राय तथा सुझाव को महत्व देता है। लेकिन ये कह रहा महत्व इस पे दिया जाता है राजनीतिक, प्रजातांत्रिक, निरंकुशवादी। जस्ट अ मिनट, फोन कॉल है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों तथा सुझावों को महत्व देता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि चाहे प्रजातांत्रिक हो, चाहे निरंकुशवादी हो, चाहे राजतांत्रिक नेतृत्व हो, इसमें जो नेता होता है वो अपने सदस्यों की रायों तथा सुझावों को वांछित महत्व नहीं देता है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महत्व देता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो नेतृत्व की आवश्यकता के देखो बहुत सारे कारण हैं। उद्देश्य निर्धारण हेतु भी होती है, नीति निर्धारण हेतु भी होती है, समन्वय स्थापित करने हेतु भी होती है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हेतु। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी सिद्धांत लिखे हुए हैं, चाहे वो अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत हो, या विलक्षणता का सिद्धांत हो, या संयोग का सिद्धांत हो, ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, मैं इसके पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि अगर किसी भी ऑप्शन में, यानी कि किसी क्वेश्चन पे ये ऑप्शन मिलता है उपरोक्त सभी, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, डाउटफुल है, तो उपरोक्त सभी ही आंसर लगाइएगा। 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ऐसे जितने क्वेश्चन आए हैं सबका आंसर उपरोक्त सभी ही था। तो अगर आपको नहीं आता है, जैसे आपको क्लियर कट क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है, बट अगर आपको गेस करना है तो उपरोक्त सभी ही आंसर गेस करिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है किसी सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है? ये विलक्षणता के सिद्धांत में कहा गया है। किस सिद्धांत में कहा गया है? विलक्षणता के सिद्धांत में कहा गया है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है। नेतृत्व का तभी विकास होता है जब व्यक्ति के समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। यह अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? यह अवधारणा संतुलन के विकास से संबंधित है। देखो, दो टाइप के आपने यहाँ पे सिद्धांत पढ़े। यहाँ पे अगर देखो तो विलक्षण था,
आपका जो स्टेटमेंट था इसमें विलक्षण प्रतिभा का यूज हुआ, तो आंसर आपका विलक्षणता का सिद्धांत हुआ। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे गुणों का संतुलित विकास होता है, संतुलित शब्द का यूज हुआ तो ये संतुलन का सिद्धांत हुआ, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन, अल्पोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है, तो एक प्रभावी नेता में 18 गुण होने चाहिए। अब ये 18 गुण कौन कौन से हैं आपको ये नहीं याद करने, बस ये ध्यान रखिएगा कि अल्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रभावी नेता में 18 गुण होने चाहिए। एक प्रभावी नेता में किन शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है, तो अगर शारीरिक गुणों की बात करें तो एक नेता जो है देखो देखने में भद्दा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। शरीर की ऊंचाई समूह के सदस्यों से बहुत कम या बहुत ज्यादा ना होनी चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने समूह के सदस्यों के बराबर ही हो या थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, लेकिन बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वजन संतुलित होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेता एकदम भैंसा जैसा है, ना उठ पा रहा है ना बैठ पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रभावी नेता में ये सारे ही गुण होने चाहिए, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है, तो स्फूर्ति और प्रसन्नता होनी चाहिए, मतलब तेजी होनी चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, स्पष्ट और तत्परता होनी चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कह दे 9 बजे आएंगे और आके 12 बजे बैठे। तो ये सारे ही एक नेता के अंदर अनिवार्य गुण होने चाहिए, उपरोक्त सभी इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई थी, यूएसए में की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। शैक्षिक नेतृत्व की जो बात है शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन में जो नेतृत्व की बात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले की गई थी। कार्य विधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है, तो नेता को कार्य संबंधी कौशल जानकारी होनी चाहिए, कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति भी उसके पास होनी चाहिए, कार्य की प्रगति का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। भाई नेता कौन, नेता वो ना जिसको सारी जानकारी हो, तभी तो वो नेता है, तो उसको ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए, तो नैशविले की यह मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के अलग अलग सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। अगले पेज में मूव करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। नेतृत्व के जितने भी सिद्धांत लिखे हुए हैं वो चाहे विशेषता सिद्धांत हो, चाहे व्यापार व शैली सिद्धांत हो, या फिर परिस्थिति बस व आकस्मिकता का सिद्धांत हो, ये सारे सिद्धांत नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेतृत्व तो एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में क्या शामिल है, तो जितने भी तत्व आपके लिखे गए हैं इन सब को शामिल किया गया है नेतृत्व तो एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में। यहां से पहला टॉपिक जो है वो हमारा खत्म होता है, सेकंड नंबर टॉपिक स्टार्ट होगा और सेकंड टॉपिक है आपका शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट पानी पी लेता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण आवश्यक रूप से है क्या। ध्यान रखिएगा, देखो संप्रेषण जो है वो किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है, कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, दो लोगों के बीच में, इसीलिए संप्रेषण को कहा जाता है द्विमार्गी प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, द्विमार्गी प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है, तो प्रबंध के सभी स्तर पर संप्रेषण की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा स्टेज नहीं है जहां कम्युनिकेशन की जरूरत ना पड़े, तो प्रबंध के सभी स्तरों पर संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। संचारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स है एक कि सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार, कोई भी चिन्ह, कोई भी प्रतीक, इन सारी चीजों को व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के रूप में आदान प्रदान करते हैं। तो आंसर हो जाएगा चिन्हों, प्रतीकों एवं व्यवहार। संचार में क्या सम्मिलित है, तो संचार में चाहे तथ्य हो, चाहे विचार हो, चाहे भावनाएं हो, ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। संप्रेषण के लिए क्या होना चाहिए, तो संप्रेषण के लिए
प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों होने चाहिए, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होगा, एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता। मैं बोलूंगा आप रिसीव करोगे, आप बोलोगे मैं रिसीव करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप हो या केवल मैं हूं, बात समझ रहे हो ना। तो कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों का होना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ध्यान रखिएगा, कॉम्युनिको और कम्युनिश दोनों उपरोक्त ए या बी, ये दोनों ही लैटिन वर्ड से इस कम्युनिकेशन शब्द का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण का विनिमय क्या है? तो संप्रेषण का विनिमय है तथ्यों का। संप्रेषण में क्या होता है, तथ्य भी आप रिप्रेजेंट कराते हो, अपनी भावनाएं भी आप बताते हो, विचारों का, सम्मतियों का, तो सारे ही ऑप्शन आपके संप्रेषण में आ जाते हैं, उपरोक्त सभी आंसर लगाइए। संप्रेषण हो सकता है दो व्यक्तियों के मध्य, दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, उपरोक्त ए व बी दोनों। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन केवल दो लोगों के बीच हो, दो लोगों के बीच भी हो सकता है और दो से ज्यादा लोगों के बीच भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए, एक भी ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा, अपनी समझ से आप सबका आंसर बता सकते हो। संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, सम्मतियों का आदान प्रदान करने का समागमन है, ये कथन किसका है? ये कथन फ्रेडी जी मायर का है। किसका है? फ्रेडी जी मायर का। अच्छा एक बात बताओ, संप्रेषण का आवश्यक तत्व क्या है? तो संप्रेषण में क्या होगा, एक भेजने वाला होगा, एक रिसीव करने वाला होगा, और मैसेज भी तो होगा। मैं भेजने वाला हूं, आप रिसीव करने वाले हो, तो हमारे बीच कोई बात भी तो होगी, मैसेज भी तो होगा। तो संदेश भी होना चाहिए, प्रेषक भी होना चाहिए, प्रेषिती भी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पेज में मूव करेंगे। अगला पेज देखिए क्या है, इसी पेज पे नहीं, इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पे मूव करना पड़ेगा, ये आ जाओ अगले पेज पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण जो है वो माध्यम या पथ पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? माध्यम या पथ पर। बात को समझो, कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होगा? कम्युनिकेशन आपके मीडियम पे बेस्ड होता है। मीडियम का मतलब क्या है? जैसे मुझे आपसे बात करनी है तो कई सारे तरीके हैं। मैं डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूँ फेस टू फेस, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो एक मीडियम होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए। तो माध्यम और पथ पर आधारित होता है संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो संप्रेषण का उद्देश्य सूचना देना भी है, गतिविधियों को समायोजित करना भी है, प्रबंधीय कार्य क्षमता को बढ़ावा देना भी है। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का लक्षण है, तो देखो संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सम्मतियों तथा तथ्यों का आदान प्रदान होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो संप्रेषण में चार एस आता है, संप्रेषण में चार एस में आता है, ये एस है क्या? तो ध्यान रखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में जो चार एस आते हैं, ये एक तो शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सिंप्लिसिटी को, तीसरा स्प्रिट को, और चौथा सिंसियरिटी को। यानी कि बात छोटी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए और समझदारी पूर्वक होनी चाहिए। तो शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्प्रिट और सिंसियरिटी। अगला, संप्रेषण को द्विगामी क्रिया क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर भी आप खुद से बता सकते हो, क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है। बात समझो, सूचना जो है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सेंडर से किसके पास तक जाती है? रिसीवर के पास तक जाती है। इसीलिए संप्रेषण को द्विगामी क्रिया कहा जाता है। संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक है? तो संप्रेषण के लिए देखो क्या क्या होने की जरूरत है। भाई सूचना ग्राही की विद्वत्ता होनी चाहिए, जो सूचना देने वाला है वो होना चाहिए। सूचना दाता में सूचित करने की इच्छा होनी चाहिए। अरे मुझे कुछ बताना होगा, कुछ बताने की इच्छा होगी, तभी तो कम्युनिकेट करूंगा। सूचना ग्राही का संदेश का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। मैं अगर कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा हूं और आपका कोई क्वेश्चन है, तो मुझे उस कम्युनिकेशन पे आपका उत्तर देने के लिए सक्षम होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ही कंडीशन होनी चाहिए। उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। एकल मार्गी संप्रेषण प्रतिपुष्टि, एकल मार्गी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि नहीं होती। बात का मतलब क्या है कि सिंगल वे कम्युनिकेशन जो है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, एकल मार्गी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो कम से कम दो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ध्यान रखिए,
कम्युनिकेशन में मिनिमम दो लोग, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। संप्रेषण कैसा होता है? तो संप्रेषण जो है वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि सबके लिए होता है, कह सकते हो इसको आप पब्लिकली जो होता है। तो संप्रेषण आपका सार्वभौमिक होता है। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है प्रतिपुष्टि करना। भाई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, सेटिस्फाई भी तो करो जो आपको सुनने वाले हैं। टीवी सेट पर, रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, एकल मार्गी संप्रेषण। कैसा? एकल मार्गी संप्रेषण। देखो मैं आपको बताता हूं, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, और एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। अब आप कहोगे सर ये वन वे और टू वे में फर्क क्या है? वन वे कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे केवल कोई एक बंदा बोले और आप केवल सुन सकते हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। टीवी और रेडियो में क्या होता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन ही हो रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन वन वे है। टीवी में जो दिखाया जा रहा है वही देख सकते हो, जो बताया जा रहा है रेडियो में वही सुन सकते हो, आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं रख सकते। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन में हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल, ऑडियो कॉलिंग का, वीडियो कॉलिंग का और वॉइस चैट का, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी टू वे कम्युनिकेशन में आती हैं। वन वे कम्युनिकेशन में आपका टीवी या रेडियो, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। वन वे कम्युनिकेशन को हिंदी में एकल मार्गी कहा जाता है और टू वे कम्युनिकेशन को इंग्लिश में द्विमार्गी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण विज्ञान है या कला है, या विज्ञान या कला दोनों है? तो संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों है। संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संप्रेषण और संप्रेषक और संप्रेषिति दोनों मानक प्राणी होते हैं। अच्छा, ऑप्शन अगले पेज पे इधर आ जाओ, ये रहे आपके सामने। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्यों? क्योंकि भैया जो संप्रेषण करने वाले हैं वो भी तो मानव है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, सेंडर और रिसीवर दोनों ही मानक प्राणी होते हैं। संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, ये कथन किसका है? ये कथन है चार्ल्स ई रेडफील्ड का। किसका है? चार्ल्स ई रेडफील्ड का। भाषा का क्या उद्देश्य है? अरे भाषा का एक ही मतलब है, कम्युनिकेट करना। तो संप्रेषण करना ही भाषा का उद्देश्य है। संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का जो नॉर्मल वर्क है वो है प्रोत्साहन पूर्व वातावरण बनाए रखना। यानी कि प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बना रहे उसी को आप बेहतर संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहोगे। संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती, ये कथन किसका है? ये कथन है कीथ डेविस का। किसका कथन है? कीथ डेविस का। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का आशय दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों के साथ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक तो हम तथ्य रखते हैं, दूसरे अपने विचार भी तो रखते हैं। तो तथ्यों, विचारों, अनुमानों, भावनाओं व संवेगों के आपसी विनिमय से है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण आवश्यक रूप से एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। सूचना का केवल भेजा जाना ही आवश्यक नहीं होता, वरन इसका प्राप्त करना एवं सूचना प्राप्तक द्वारा समझना भी आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि उचित समझ पर आधारित प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया ना हो। प्रतिपुष्टि को संप्रेषण का आवश्यक अंग माना गया है। यह आपका बस एक नोट है जो यहाँ पे बताया गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, एक नोट है जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे चलिए, संप्रेषण क्या प्रदान करने की एक प्रक्रिया है? संप्रेषण संदेश प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण का क्षेत्र क्या है? तो संप्रेषण का क्षेत्र स्थानीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, व्यापक भी हो सकता है। यानी कि संप्रेषण का जो क्षेत्र है, एक सेकेंड, संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होगा, स्थानीय और राष्ट्रीय नहीं होगा, सॉरी इसको हटाइए। कम्युनिकेशन का जो पर्टिकुलर एरिया होगा वो आपका ब्रॉड होगा, व्यापक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण विनियम क्या है? तो संप्रेषण विनियम की अगर बात करें तो संप्रेषण विनियम में हम अपनी भावनाएं भी रखते हैं, तथ्य भी रखते हैं, युक्त भी रखते हैं, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, मौखिक संप्रेषण कौन सा होता है जिसमें, जैसे रेडियो प्रसारण हो गया, मौखिक ही तो बात होती है, साक्षात्कार इंटरव्यू हो गया, मौखिक बात होती है,
टीवी प्रसारण हो गया, बात मौखिक होती है, प्रश्नावली जो है वो आपकी मौखिक संप्रेषण में नहीं आती है क्योंकि प्रश्नावली में आपको लिखित संप्रेषण करना होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण का मेन मोटिव है उचित संदेश देना। कम्युनिकेशन का मेन मोटिव क्या है कि आपको एक प्रॉपर एक उचित संदेश दिया जाए। संप्रेषण शब्द किससे बना है? लैटिन वर्ड, अभी हमने आपको बताया कौन कौन से लैटिन वर्ड स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, एक तो कॉम्युनिस, एक और दूसरा कॉम्युनिको। अगला चलिए, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसने दिया था? कीथ डेविस ने दिया था। किसने दिया था? कीथ डेविस ने दिया था। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे। अगला पेज हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण विनियम है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी युक्तियों का। संप्रेषण विनियम है किसका? युक्तियों का। इस तरीके से कम्युनिकेशन का टॉपिक आपका खत्म होता है। अगले बात होगी टीम बिल्डिंग, जिसको आप कहते हो दल निर्माण। तो टीम बिल्डिंग में देखो एक चीज आपने नोटिस की, अभी तक हमने दो टॉपिक यहां से कवर किए और इन दोनों ही टॉपिक में अगर कथन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आप समझ समझ के ही लगा लोगे। तो एक बार अगर वीडियो देख लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे और यकीन मानिए 80-90% रिजल्ट आपका बन जाएगा अगर ये सारी वीडियो आपने प्रॉपर देख ली। चलिए स्टार्ट करते हैं, टीम बिल्डिंग टॉपिक है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का सबसे छोटा अंश कौन सा है? तो शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो सबसे छोटा अंश है वो आपका विद्यालय होता है। जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्यालय का प्राथमिक अंग क्या है? विद्यालय का प्राथमिक अंग कक्षा होती है। विद्यालय का जो प्राथमिक अंग है ये कक्षा होती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है कौन? अध्यापक। कक्षा में भावात्मक वातावरण कौन पैदा करेगा? अध्यापक पैदा करेगा। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र क्या है? तो देखो, विद्यालय में शिक्षक का भी होना चाहिए, शिक्षार्थी का भी होना जरूरी है, कार्यालय और क्लर्कल जो वर्ग है लिपिक वर्ग उसका भी होना जरूरी है। उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। आगे चलिए, किस विद्वान ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की है? तो ग्रिफिक्स ने की है। किसने की है? ग्रिफिक्स ने। साधारणतया प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी ग्रिफिक्स का है। किसका कथन है? ग्रिफिक्स का ही कथन है। विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? विद्यालय एक खुली प्रणाली का उदाहरण है। कैसी प्रणाली? खुली प्रणाली का उदाहरण है विद्यालय। एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो ग्रिफिक्स को जाता है। किसने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन दिया है कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो जाता है? ये आर्गरिस ने दिया है। किसने दिया है? आर्गरिस ने। किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के दो भाग हैं, संगठन तथा संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति? तो ये गेजेस और गुवा के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावात्मक वातावरण का लाभ क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब अध्यापक भावात्मक वातावरण बनाएगा तो छात्र में क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा और छात्र में भी तो भावात्मक पक्ष का विकास होगा। तो ऐसा ही कोई आंसर हो जाएगा हमारा, ऐसा ही कोई ऑप्शन अगले पेज में मूव करना पड़ेगा, ये लीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र जो है उसमें ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ने के अलावा उसमें भावात्मक पक्ष का विकास भी होगा। तो अगर टीचर कोई भावात्मक प्रक्रिया करेगा तो स्टूडेंट में भावात्मक पक्ष का विकास होगा। परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण क्या होता है? देखो, अगर कम्युनिकेशन की कमी होगी तो उससे क्या होगा? आपस में मिलने के अवसर कम होंगे, समझ कम होगी, आत्मीय संबंध कम बनेंगे, यानी कि ये सारे ही व्यवधान उत्पन्न होंगे। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते, उसका रीजन ये है। एक तो संगठन जटिल हो जाता है, दो पारी विद्यालय का मतलब समझ रहा हूं ना, जो सुबह शाम अलग अलग शिफ्ट में आपके स्कूल चलते हैं। दूसरा, सोपान क्रम अधिक हो जाता है, समूहों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी कि ये सारे ही कारण हो जाएंगे। उपरोक्त सभी आंसर होगा। किसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है? यह होमंस का कहना है। किसका कहना है? होमंस का। विद्यालय के मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं? तो विद्यालय के टोटल 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया
ये आंसर लगा दीजिए तीन, और ये तीनों हैं कौन कौन से? अच्छा ये भी नीचे पूछा है, ठीक है। विद्यालय के तीन प्रशासनिक स्तर होते हैं कौन कौन से? एक तो प्रशासक और प्रधानाचार्य, दूसरा शिक्षक, तीसरा हो गया छात्र। इसका मतलब उपरोक्त तो तीनों आंसर आपका हो जाएगा। विद्यालय के तीन प्रशासनिक स्तरों को आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विद्यालय के तीन प्रशासनिक स्तरों से जो संबंध बनते हैं वो प्रशासक छात्र संबंध भी है, प्रशासक समुदाय संबंध भी है, प्रशासक शिक्षक संबंध भी है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? तो मानवीय संबंध में प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे चलिए, किसने अध्यापक तथा प्राचार्य या प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने किसने किया है? क्रिस्टोफर ने किया है। अगला क्वेश्चन, संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? खुद से पढ़ के आंसर लगा सकते हो। देखो, एक ऐसा वातावरण आपको बनाना है जिसमें ज्यादा संघर्ष ना हो, जिसमें ज्यादा कठिनाई ना हो। तो क्वेश्चन यही तो जानना चाह रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसका यूज करके आप एक संघर्ष रहित वातावरण बना सकते हो। तो पहला ऑप्शन है, प्रशासक ऐसा अवसर प्रदान करे कि मनुष्य सुरक्षा पूर्वक रह सके। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। बिल्कुल सही बात है। बौद्धिक रूप से सभी का विकास हो। बिल्कुल सही बात है। अगर ये तीनों चीजें होंगी देन डेफिनेटली आपका जो वातावरण है वो संघर्ष रहित होगा। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के समान संबंध रखें। बिल्कुल सही बात है। प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए। यहाँ पे प्रशासक शब्द का मतलब समझ रहे हो ना, मैनेजमेंट से है, प्राचार्य से है या प्रधानाध्यापक से है। आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। अगला टॉपिक है आपका शैक्षिक प्रशासन, अर्थ एवं अर्थ रूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग फॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए, तो देखिए यहां से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग माना जाता है? तो 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का प्राचीन युग माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राचीन युग माना जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस एक टॉपिक में अप्रोक्सीमेट आप 70 क्वेश्चन करने वाले हो, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 1900 से 1935 तक का जो शैक्षिक प्रशासन था इसको हम प्राचीन युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राचीन युग के नाम से। आगे चलिए, अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर आपने तो एक प्राचीन काल भी पढ़ाया था, तो वो काल था, ये युग है, वो आपका वैदिक काल हुआ करता था। यहाँ पे युग की बात हो रही है। किस विचारक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात वह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है? S.N. मुखर्जी के द्वारा यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सभी मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। ये बात ब्रूक एडम्स के द्वारा कही गई है। किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया है? फेयाल ने किया है। किसने किया है? फेयाल ने। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फेयाल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है तथा प्रबंधक कार्यों को पॉस्डॉर्ग अक्षर द्वारा परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा, पॉस्डॉर्ग की बात अगर की जाएगी तो इसको गुलिक ने परिभाषित किया है। किसने? गुलिक ने। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? अगले पेज पे इसका ऑप्शन होगा। पहले अगले पेज पे मूव कर जाते हैं, 8वें नंबर पेज पे ये रहा आपके पास। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका कि जो मैकबेस की नाम हो रही थी ना, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था मैक्स वेबर जो है वो किस देश के समाजशास्त्री हैं? मैक्स वेबर जर्मनी के समाजशास्त्री हैं। आगे चलिए, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्ट कोर्ब के अक्षरों का प्रतिपादन किया था? अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी बात हुई है। किसने किया था? गुलिक ने किया था।
फयाल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व हैं? फयाल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व हैं। फयाल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है? तो ऑप्शन आपके जो गिवन है, नियोजन, संगठन, आदेश, सारे ही आपके शैक्षिक प्रशासन के तत्व हैं, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। फयाल के अनुसार निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है? तो फयाल के अनुसार प्रक्रिया जो है ये शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है, बाकी समन्वय, नियंत्रण, आदेश, संगठन, नियोजन, ये सारे ही फयाल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के तत्व हैं, प्रक्रिया तत्व नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन सा पोस्टकॉर्ब अक्षरों में शामिल है? तो पोस्टकॉर्ब अक्षरों में नियोजन भी है, संगठन भी है, निर्देश भी है, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। किन राव ने 1935 से 1950 तक के काल को क्या कहा है? तो 1935 से 1950 तक के काल को इन्होंने संक्रमण काल कहा है। क्या नाम दिया है? संक्रमण काल। आगे चलिए। ओवंस ने 1935 से 1950 तक के काल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने मानवीय संबंध काल नाम दिया है। ओवंस ने क्या नाम दिया है? मानवीय संबंध काल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्टकॉर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है? मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। निम्न में से किस काल को प्राचीन युग कहा जाता था? आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, किस काल को कहा जाता था? तो आपका 1900 से 1947 वाला जो युग था वो प्राचीन युग था, अभी स्टार्टिंग में ही तो ये क्वेश्चन मिला था। अगला क्वेश्चन, 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया? तो मानव पे भी बल दिया गया और मानवीय संबंध पे भी बल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ा है, यहां देखिए ओवंस ने 1935 से 1950 वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को ही तो पलट के पूछा है, तो बस ओवंस आंसर लगा दीजिए। आगे चलिए। निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है? ऊपर पढ़ा चुका हूं, किनराव ने 1935 से 50 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। 1935 से 1950 तक के काल को फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो समरसता का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? समरसता, समासता का सिद्धांत। आगे चलिए, फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? फॉलेट के विचारों का केंद्र समन्वित संबंधों का निर्माण भी है, शिक्षा का विकास भी है, तो ए और सी दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। किसका कथन है कि प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं? बनाड़ का। किसका है? बनाड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 22 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षक में प्रमुख भूमिका निभाती है? मनोवैज्ञानिक। कौन सी? मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 1935 से 1950 तक का काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी? क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी। 1935 से 50 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया जो प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है? यह है सत्ता का संप्रत्यय विनिश्चयीकरण। निम्न में से किसमें शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? लोकतंत्र में शैक्षिक प्रशासन का कोई भी वातावरण नहीं है। निम्न में से किस विचारक ने शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं? फयाल ने। ये क्वेश्चन भी आप पहले ही पढ़ चुके हो, फयाल ने। देखो इस टॉपिक में आप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत कम है, तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक में ध्यान से एक एक ऑप्शन को अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, तो 1 से 2 बार जब वीडियो देख लोगे तो ऑप्शन देख के एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवंस ने निम्न में से किस काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा काल है ये? 1935 से 1950 वाला। आ जाओ, ये रहा आपका 1935 से 1950 वाला। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, फॉलेट महोदय ने
किस काल में समरसता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है 1935 से 50 में। आगे चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस काल को ओप्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। इन्होंने 1925 से, नहीं ये रिपीटेड नहीं है, ओप्स का भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल को ओप्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा है? तो ये 1950 से 1975 ईस्वी का काल है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने कहा है कि संस्थागत व्यवहार संगठन एवं उससे कार्य करने वालों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है? अब यहां पे देखो आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, 1950 से 1975 के काल में किस उपागम पर बल दिया गया था? तो विश्लेषणात्मक उपागम पे बल दिया गया था। किस विद्वान का मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है? तो ये चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन दोनों का मानना है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासक या मैनेजर को किस विषय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए? जो मैनेजमेंट वाला बंदा है उसको किस विषय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए? समाज विज्ञान का ज्ञान उसको अवश्य होना चाहिए। समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो मनोविज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, ये सारे ही विषय समाज विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया था? तो इन्होंने त्रिकोणीय प्रशासन को जन्म दिया था। नेक्स्ट पे इसका क्वेश्चन आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये आ जाइए, तो किसको? त्रिकोणीय प्रशासन को। आगे चलिए, निम्न में से कौन त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, त्रिकोणीय प्रशासन में व्यक्ति आता है, कार्य आता है, सामाजिक संस्कृति आती है, क्षमता नहीं आती है। राइट आंसर आपका क्षमता हो जाएगी। निम्न में से किसने विद्यालयों संस्थाओं के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था? आर्ग्रिस ने किया था। किसने किया था? आर्ग्रिस ने। अगला क्वेश्चन, किनराव ने निम्न में से किस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है? रिपीटेड क्वेश्चन है 1935 से 1950 वाले काल को। आगे चलिए, किस विद्वान ने 35 से 50 तक के काल में समाश्रिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? बात हो चुकी है फॉलेट की, और फॉलेट के ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी क्वेश्चन हो चुका है, मास्लो ने किया था। बर्नार्ड एवं साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना है? संगठन को सुचारू रूप से चलाना है। समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन है? ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए, वो चाहे पार्सन्स हो, वो चाहे बेकी हो, वो चाहे गोल्डनर हो, ये सारे ही समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक हैं। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था? तो हर्बर्ट साइमन ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट साइमन ने। अगला क्वेश्चन, निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन और अमेरिस दोनों ने किया था। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया है? तो चाहे वो व्यक्ति हो, या सामाजिक संस्कृति हो, या कार्य हो, ये सारे ही ऑप्शन एक प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझे गए हैं। प्रशासक में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम दी थी? साइमन ने ही दी थी। किसने दी थी? साइमन ने। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है? तो साइमन ने ही प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है। प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? संप्रेषण व्यवहार, आपका केवल व्यवहार, कैसा एनवायरमेंट आप बना के चल रहे हो, वे सारे ही प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। किस विद्वान ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में प्रयोग किया था? टॉमसन ने किया था। किसने किया था? टॉमसन ने। अगले चलते हैं, अगले पेज पे। वर्तमान समय में टॉमसन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्री विधि का प्रशासन में कब प्रयोग किया? 1967 में। कब प्रयोग किया? 1967 में। शिक्षा प्रशासन में निम्न में से किस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? तो शिक्षा प्रशासन में ए और बी,
जो आपके भौतिक संसाधन है और जो आपके मानवीय संसाधन है, दोनों पे विशेष बल दिया जाता है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। किस विद्वान का मत है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं? तो ये जो आपका विद्वान है ये स्टोकडेल और मायर्स दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतः दो मान्यताओं को स्वीकार किया है? तो मुख्यतः दो मान्यताओं को स्वीकार करने वाले कल्वर्टसन है। कौन है? कल्वर्टसन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सक्रम प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की यह परिभाषा किसने लिखी है? ये परिभाषा अमेरिकन विद्यालय प्रशासक संगठन के द्वारा लिखी गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसी एक टॉपिक से आपके 4 to 5 क्वेश्चन बनेंगे और इस टॉपिक को आपको कम से कम दो बार देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल नाम है या ईयर है, यानी कि सारी चीजें याद करने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो साइकोलॉजिकल हो, जो आप अपने हिसाब से आंसर दे दो। इसलिए कम से कम दो बार इस क्लास को जरूर करिएगा, भले पूरी क्लास ना करिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कहना है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिससे कि अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके? ग्रम्बेल 4। किसका? ग्रम्बेल 4 का ये मानना है। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से संबंधित हो। ये बात आर मोल्ट पाल के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? आर मोल्ट पाल के द्वारा। एक प्रशासक की कुशलता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह कामगारों से अधिक काम लेकर अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। इस दिशा में सोचने वाले पहले लेखक कौन थे? फ्रेडरिक टेलर। कौन थे पहले लेखक? फ्रेडरिक टेलर। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक कौन है? तो संप्रदाय के समर्थक की अगर बात आएगी तो लूथर गुलिक भी थे, लिंडले अर्किक भी थे, मैक्स वेबर भी थे। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? वैज्ञानिक व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। चलिए, ये रहा अगला पेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं? टोटल 6 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 6। निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन होते रहना आवश्यक है? वैज्ञानिक व्यवस्था का निरंतर तथा सतत मूल्यांकन होना आवश्यक है। किस विचारक ने उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय को 6 प्रमुख सिद्धांत में प्रस्तावित किया है? यह है फ्रेडरिक टेलर। रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही आप पढ़ चुके हो। आगे चलिए, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कौन कौन से सिद्धांत हैं? वो वह चाहे आंशिक वृद्धि सिद्धांत हो या व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत हो या व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत हो, ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशलता पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो निर्णय सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा ये जितने भी सिद्धांत हैं ये सारे उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होता है? फ्रेडरिक टेलर का ये मानना है कि हर कामगार काम से आलसी होता है। किस विचारक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो ये है लूथर गुलिक। किसने किया है? लूथर गुलिक ने। हेनरी फियाल ने एक कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए हैं? 14। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी फियाल और गुलिक दोनों ही है, तो ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। गुलिक तथा फियाल ने प्रशासनिक प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत कितने कार्यों की सूची दी है जो प्रशासन की भूमिका निर्धारित करते हैं? तो 5 कार्यों की इन्होंने सूची दी है। ये बड़ा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कम से कम 2 बार देखोगे तब जाके आपको ये पूरा टॉपिक याद हो पाएगा। और केवल यही नहीं, इस पूरे पेपर 3rd में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बहुत बड़े हैं। उनमें से अगला जो टॉपिक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल,
यानी कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रशासन कैसा है, तो ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक चौथा और पांचवा दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है और दोनों में मिला के 150 क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब यहाँ पे बनते हैं, और एग्जाम में यहीं से केवल इन्हीं दो टॉपिक से 8 to 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से देखिएगा, याद करने वाली चीजें यहाँ पे भी होंगी, तो याद नहीं हो पाएगा आसानी से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे, तब जाके ये सारी चीजें आपके माइंड में अच्छी तरीके से फीड हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया था। पहले भी बता चुका हूं 1945 में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित किया गया था। शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया, 1957 में शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ा गया है। ये सारी बातें मैं आपको इसके पहले वाले पेपर में पढ़ा चुका हूं, वही सारी कुछ बातें यहां पे रिपीटेड होंगी, तो ध्यान देते रहिएगा। 1958 में शिक्षा मंत्रालय को किसमें बांटा गया था, तो 1958 में क्या हुआ था, शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय भी बनाया गया था। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। किस वर्ष खेल मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया, 1963 में खेल मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया। 1963 में केंद्र में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग था, तो 1963 में शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग दोनों ही एक थे, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। किस वर्ष शिक्षा विभाग एवं विज्ञान विभाग का एकीकरण कर दिया गया था, तो 1967 में इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला के एक कर दिया गया। आगे चलिए, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र में 1967 से 68 में शिक्षा विभाग में कितने ब्यूरोज बनाए गए, टोटल 7 ब्यूरो बनाए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ, 1950 में, याद रखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने विभाग हैं, टोटल 5 विभाग हैं। निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भाग नहीं है। देखो, मानव संसाधन विकास में शिक्षा विभाग भी आपका आता है, संस्कृति विकास भी आता है, कला विभाग भी आता है, लेबर विभाग यानी कि श्रम विभाग नहीं आता है, लेबर डिपार्टमेंट आपका नहीं आता है, श्रम विभाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है, तो ये जितने भी विभाग लिखे हुए हैं, वो चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो, वो चाहे कला विभाग हो, वो चाहे युवा कार्य एवं खेल विभाग हो, ये सारे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाग हैं। केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन रहता है, केंद्रीय शिक्षा विभाग आपका मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन रहता है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता कौन करता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री की जो सहायता है वो शिक्षा एवं संस्कृति उपमंत्री करता है। कौन करता है, शिक्षा एवं संस्कृति उपमंत्री। शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है, शिक्षा सचिव करेगा। 1957 में केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कौन सा विभाग जोड़ा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग भी जोड़ा गया था। कौन सा व्यक्ति स्वयं की और दूसरों की प्रगति में सहायक होता है, एक आशावादी व्यक्ति जो होगा वो स्वयं और दूसरों के प्रगति दोनों में सहायक होगा। निम्न में से किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया था, 1958 में इसको 2 भागों में बांटा गया था, और कौन कौन से वो भाग थे, तो शिक्षा मंत्रालय तो एक था ही, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान भी था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा सचिव को सहयोग देता है, शिक्षा सचिव को अपर सचिव जो है ये सहयोग देता है। शिक्षा विभाग किस रूप में संगठित है, शिक्षा विभाग ब्यूरो के रूप में भी है, प्रभागों के रूप में भी है, शाखाओं के रूप में भी है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो किसके प्रभार में होता है, तो शिक्षा विभाग का जितना भी ब्यूरो है वो संयुक्त सचिव और संयुक्त शिक्षा सलाहकार दोनों के प्रभार में होता है, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ब्यूरो के संयुक्त सचिव को कौन सहयोग करता है, प्रभागीय प्रमुख सहयोग करता है। केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन अधीनस्थ कार्यालय है, तो केंद्रीय शिक्षा विभाग में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भी आता है, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो भी आता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी आता है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, ये नहीं पूछ रहा कि है, कह रहा कौन सा नहीं है, तो उच्च शिक्षा निदेशालय को छोड़कर
आपके बाकी सारे अधीनस्थ कार्यालय हैं शिक्षा विभाग के। आगे चलिए, केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में है और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। राष्ट्रीय, देखो अब यहाँ पे केंद्रीय के साथ साथ राष्ट्रीय की भी बात हो रही है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? ये भी आपका नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत के किस क्षेत्र में लगा हुआ है? तो संस्कृत के प्रोन्नति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, सब में लगा हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कहाँ है? ये भी आपका नई दिल्ली में है। मोस्ट ऑफ द शिक्षा से संबंधित जो आपके अनुसंधान है वो नई दिल्ली में ही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो ऐसे भी हैं जो बेंगलोर या कहीं और भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान आगरा में है? अभी अभी हमने बात की है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। निम्न में से कौन शिक्षा विभाग के रूप में संगठित है? तो शिक्षा विभाग के रूप में डेस्को, अनुभागों, एककों, ये सारे संगठित हैं। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये देखिए आ गया ना, ये शिमला में है। उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? शिमला में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय आप सब जानते हो आपके लखनऊ में है। निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में है? तो दिल्ली के ये सारे ही संस्थान लिखे हुए हैं, वो चाहे आपका भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद हो, चाहे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद हो, चाहे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद हो, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्थान शिमला में है? थोड़ी देर पहले ही बात की थी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में है। निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में है? दिल्ली में आपका केंद्रीय संस्कृत संस्थान भी है और केंद्रीय हिंदी संस्थान भी है। आप कहोगे सर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी तो है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक, वो केवल दिल्ली की बात कर रहा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है किस लेखक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है? वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक और मानवीय वस्तुओं से कम है। एसएन मुखर्जी का ही कहना है। किसका कहना है? एसएन मुखर्जी का। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का तात्पर्य सरकार शब्द से है, जिनका निकटतम संबंध विशिष्ट संदर्भ पर्यवेक्षक निर्देशन नियम नियंत्रण आदि शब्दों से है। ये बात किसने कही थी? उपयुक्त में से कोई नहीं, इन तीनों के अलावा ये बात किसी चौथे पर्सन ने कही थी। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व किस राज्य किस पर है? तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व उस राज्य पर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, आप जानते हो इस बात को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद किस राज्य को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बांटा गया था? बात हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, हमेशा भूलिएगा नहीं। भाषा के आधार पर दो राज्य बांटे गए हैं 1947 के बाद, एक तो बंबई था और दूसरा पंजाब था। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? उस टाइम पे 14 राज्य हुआ करते थे। राज्य पुनर्गठन के बाद भारत में कितने संघ शासित प्रदेश थे? राज्य पुनर्गठन के बाद 6 संघ शासित प्रदेश थे। 1956 में हरियाणा राज्य को दिल्ली राज्य हरियाणा राज्य को किस राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? तो हरियाणा पहले पंजाब में आता था, पंजाब से अलग करके इसको 1956 में नया राज्य बनाया गया। किस वर्ष आसाम में एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना हुई? तो वो सन 1970 था। आसाम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो मेघालय निकला था आसाम से। किस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होता है। राज्यों में शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं मामलों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? शिक्षा मंत्री उत्तरदायी होता है। किस आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग ने 1966। राज्य के शिक्षा विभाग के अंग कौन कौन से हैं? तो ये जो आपका शिक्षा सचिवालय वाला ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पे शिक्षा सचिवालय दो जगह है, तो फिर आप ऑप्शन ए और सी दोनों लगा दो, ठीक है ना, वो गलती से इन्होंने दो जगह लिख दिया, बट कोई बात नहीं। शिक्षा सचिवालय का सचिव कौन होता है? शिक्षा सचिवालय का सचिव शिक्षा सचिव होगा। निम्न में से किस प्रदेश के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है? पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो
तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर शिक्षा सचिव का जो पद है वो शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा सचिव है वही शिक्षा संचालक है। शिक्षा से संबंधित प्रतिदिन के मामले को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? शिक्षा सचिव के द्वारा पूरा किया जाता है। शिक्षा से संबंधित सरकार के सभी आदेश किसके नाम से जारी किए जाते हैं? आप सब जानते हो, शिक्षा सचिव के नाम से जारी किए जाते हैं। शिक्षा निदेशालय कौन सी संस्था है? एक कार्यपालक संस्था है। शिक्षा निदेशालय का मुख्य कौन होता है? शिक्षा निदेशक होता है। अब अगर यहीं पे आपसे पूछ लेगा पश्चिम बंगाल में शिक्षा निदेशालय का मुख्य कौन होता है, तो पश्चिम बंगाल में तो जो निदेशक है वही सचिव है, इसलिए पश्चिम बंगाल नहीं पूछा है। नॉर्मली पूछा है शिक्षा निदेशालय का मुख्य कौन होता है, शिक्षा निदेशक होता है। संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? राज्य की बात आएगी तो शिक्षा निदेशक प्रसिद्ध वो होगा, उत्तरदायी होगा। शिक्षा निदेशक की किन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता है? तो शिक्षा निदेशक जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। आगे चलिए, शिक्षा निदेशक किसका पदेन सदस्य होता है? तो शिक्षा निदेशक जो है वो लोक सेवा आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, माध्यमिक शिक्षा परिषद सबका पदेन सदस्य होता है। आगे चलिए, शिक्षा संचालक के सहायक कौन होते हैं? शिक्षा संचालक के सहायक उप शिक्षा सहायक भी होते हैं, संयुक्त शिक्षा संचालक भी होते हैं, सहायक शिक्षा संचालक भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। उप शिक्षा संचालक, सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन कौन होते हैं? तो विद्यालय निरीक्षक, सहायक उप विद्यालय निरीक्षक, उप विद्यालय निरीक्षक, ये सारे ही उप शिक्षा संचालक सहायक शिक्षा संचालक के अधीन होते हैं। जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। आगे चलिए, किस वर्ष की शिक्षा नीति ने जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था? 1986 की शिक्षा नीति में बात कही गई थी कि डायट का निर्माण होना चाहिए। आगे चलिए, निम्न में से किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात कही गई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक तथा किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है? तो ध्यान रखिएगा जिला स्तर की शिक्षा में, क्योंकि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है तो जिला स्तर की शिक्षा में ही तो सुधार लाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये काम किया गया था। अधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितने रुपए की वार्षिक राशि कम से कम व्यय नहीं करती है? 1 लाख रुपए। ठीक है, अनाधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करती हैं? 1 लाख से कम। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा और वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये रहा आपके पास अगला आपके पास टॉपिक है, एक तरीके से कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। चलिए देखिए यहाँ के भी क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट डिस्कस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपको थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी, यानी कि देखो कुल मिला के यहाँ पे क्या किया गया, टॉपिक कम है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टॉपिक तो आपके केवल और केवल कितने हैं, 16 ही है, लेकिन अब की बात इन टॉपिक्स में क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसीलिए चैप्टर कम कर दिए गए लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं इसको भी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो अगर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य की बात होगी तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के लक्ष्य की प्राप्ति तथा बेसिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर नमूने के रूप में लागू करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, संविधान लागू होने से किस अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व तो संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया गया था? तो 10 वर्ष का। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किस आयु वर्ग के बालकों के संबंध में था? बात कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन की पहले भी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों तक। किस वर्ष के
पूर्व तक शिक्षा का दायित्व तो पूर्णतः राज्यों तक था 1976 के पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वर्ष शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया था? 1976 में रखा गया था। संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा गया? संविधान लागू होने के समय शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? रिपीटेड क्वेश्चन, संवर्ती सूची का। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? 1984 में। कब तैयार की गई थी व्यापक शिक्षा नीति? 1984 में। और ये लागू कब की गई थी? 1986 में। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यवाही कार्यक्रम को किस वर्ष अद्यतन किया गया? 1992 से। संशोधित शिक्षा नीति जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है उसके अंतर्गत मुख्यतः किस पे जोर दिया गया? तो वो चाहे शिक्षा में एक रूपता लाने पर हो, वो चाहे प्रौढ़ शिक्षा को जन आंदोलन बनाने पर हो, वो चाहे सभी को शिक्षा सुलभ कराने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर हो, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में मुख्य रूप से किस पे जोर दिया गया? यहाँ पे भी बालिका शिक्षा पे, देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय पे, माध्यमिक शिक्षा पे को व्यवसाय परक बनाने पे, इन सब पे जोर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, एनपीए द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तक एक ऐसे पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें प्रावधान है। तो एनपीए द्वारा जो निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है इसमें एक समान पाठ्यक्रम का, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटकों का, लचीले समग्र एवं समन्वित पाठ्यक्रम का, सबका प्रावधान है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, नहीं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? 1988 में। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष में तैयार की गई थी? सन 2000 में। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्था द्वारा वर्ष 2000 में तैयार किया गया था? बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एनसीईआरटी द्वारा 2005 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई थी। आगे चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी द्वारा 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। किसको द्वारा? 1985 में जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगले पेज पे मूव करते हैं। 17 के बाद 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर यशपाल थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी? यशपाल समिति ने ही प्रस्तुत की थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सुझाव किस समिति ने दिए थे? तो ये प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही दिए थे। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वार्तालाप एवं पारस्परिक संपर्क के लिए मातृभाषा का सम्यक ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना, गणित की आधारभूत संक्रियाओं की योग्यता प्रदान करना, वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना तथा विज्ञान व तकनीकी के महत्व को समझना। तो ये सारे ही आंसर, जितने भी ऑप्शन हैं, सारे ही सही हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, माध्यमिक शिक्षा के केंद्र में केंद्र सरकार के कार्य क्या है? तो केंद्र सरकार के ये सारे ही कार्य हैं। जितने कार्य लिखे हुए हैं ना, वो चाहे राज्य सरकारों को परामर्श देने का हो, वो चाहे राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता करनी हो, वो चाहे राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन करना हो या नेतृत्व करना हो, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो ये सारी ही चीजें प्रस्तावित करती है। वो चाहे शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो की स्थापना हो, या राज्य मूल्यांकन की एकक स्थापना हो, या विज्ञान के राज्य संस्थान की स्थापना हो, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, जुलाई 1952 में हुई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन परीक्षाओं का आयोजन कराती है? तो ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय उच्चतर परीक्षा,
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, बहुउद्देशीय और उच्चतर माध्यमिक एवं एक वर्षीय परीक्षा कोर्स, सबकी परीक्षा यही करवाती है तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या याद कर लीजिएगा 1354 है सीबीएसई के स्कूल, ठीक है। आगे चलिए, भारत में स्थिर 15 सैनिक स्कूलों को किस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया था? 1968 से 69 में 15 सैनिक स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ दिया गया। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया था? तो ऑप्शन हमारे अगले पेज में अवेलेबल होंगे। किसके सुझाव पे किया था? द्वितीय वेतन आयोग के सुझाव पे। नेक्स्ट पे पहले मूव करिए। किस ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। आगे चलिए, इस समय देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट में देश में 786 केंद्रीय विद्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा होता है? ऑब्वियस सी बात है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा होगा। कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना किसका उद्देश्य है? केंद्रीय विद्यालय का। प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा का मतलब समझ रहे हो ना, जो आपके को एडेड होते हैं, को एजुकेशन वाले कॉलेज। प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? उनको हम नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं। और हर एक जिले में ये कम से कम एक विद्यालय पाए जाते हैं। नवोदय विद्यालय का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, नवोदय विद्यालय की समिति के द्वारा किया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? तो जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं वो सारी ही मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करेंगी। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराना, त्रिभाषाई फार्मूले के आधार पर तीन भाषाओं में उचित योग्यता, अनुभव तथा सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना, यानी कि ये सारे ही मोटिव थे, ये सारे ही उद्देश्य थे नवोदय विद्यालय को खोलने के। माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ये कौन है? NCERT, भूल मत जाइएगा कि हिंदी में इतना बड़ा लिखा हुआ है तो आपको लगे अरे ये कुछ और है। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 1979 में खुली थी। देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था, कस्तूरबा गांधी वाला। आगे चलिए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज भी हमको चलना पड़ेगा, ये आ जाइए अगले पेज पे। खत्म होता है यहां से ये पूरा टॉपिक। अभी दो तीन क्वेश्चन तो बाकी थे, एक मिनट, अच्छा ऊपर है, ये आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 के बाद क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई है सारे ही स्थान पे, अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, हर एक जगह की गई है, उपरोक्त सभी स्थान पे आंसर हो जाएगा। देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पे की गई थी। सामान्यतः विश्वविद्यालय की संस्थाएं हैं तो ये तीनों ही संस्थाएं, सीनेट या कोर्ट, संख्याएं, सिंडिकेट या कार्यकारी परिषद, ये सारी ही सामान्यतः विश्वविद्यालय की संस्थाएं हैं। ये एक ऐसा टॉपिक था जो आपका रिपीटेड था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेड थे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसके पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। तो देखो, बहुत क्वेश्चन ऐसे भी मिल रहे हैं जो एक या एक से ज्यादा पेपर्स में कॉमन है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। पहले में ना पूछ के दूसरे में पूछ लेगा या दूसरे में ना पूछ के पहले में पूछ लेगा, तो फायदा तो इनडायरेक्टली हमारा ही होना है ना। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है आपका एजुकेशनल सुपरविजन, जिसको आप शैक्षिक पर्यवेक्षण कहते हो। फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। पर्यवेक्षण, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का सिंपल सा मतलब होता है उच्च और दृष्टि। क्या मतलब होता है? उच्च और दृष्टि। आगे चलिए, वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है क्या कहलाती है? सुपरविजन कहलाती है, पर्यवेक्षण कहलाती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह दिव्य दृष्टि जिसके द्वारा पर्यवेक्षक संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था के सूक्ष्म तत्वों तथा तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उसका समाधान प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सुपरविजन ही कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण का लक्ष्य क्या है? पर्यवेक्षण का लक्ष्य है समस्याओं का समाधान हो, समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव हो, सुझावों को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण हो। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसने कहा है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है? बर्टन ने कहा है। किसने कहा है? बर्टन ने। पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण तथा निर्देशन है। यह परिभाषा कहां दी गई है? यह परिभाषा ब्रिक्स और जस्टमैन ने दी है। किसने? ब्रिक्स और जस्टमैन ने।
पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। तो ये वाइल्ड के द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा? वाइल्ड के द्वारा। किसने कहा है कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है? एडम्स और डिक्की के द्वारा ये बात कही गई है। पर्यवेक्षण के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? तो छात्र तथा सीखने की विधियां हो, चाहे पाठ्यक्रम का संगठन तथा सीखने की विधियां हो, चाहे प्रयुक्त संसाधन एवं शिक्षण की परिस्थितियां हो, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षा से व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों का चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन के सुधार में क्रियाएं सम्मिलित हैं, यह परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा शिक्षा शब्दकोश में दी गई है। विस्तृत अर्थों में पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों का विकास, शिक्षण संस्थाओं के लिए उद्देश्यों का अभिनिश्चयन, ये सारे ही ऑप्शन आपके राइट है, उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो चाहे शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण हो, चाहे विद्यालय वातावरण की बात हो, चाहे पाठ्यक्रम सहगामी की बात हो, ये सारे ही पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं अगले पेज पे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। पर्यवेक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हैं, और ये अन्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो विद्यालय की पंजीयों का पर्यवेक्षण हो, या फिर विद्यालय के उपकरणों एवं साज सज्जा का पर्यवेक्षण हो, या फिर छात्रों के विकास का पर्यवेक्षण हो, ये सारे ही उद्देश्य हैं पर्यवेक्षण के। पर्यवेक्षण के प्रकार कितने हैं? टोटल 3 प्रकार होते हैं, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। पर्यवेक्षण का परंपरागत रूप कौन सा है? तो परंपरागत रूप है आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण। किस पर्यवेक्षण में निरीक्षक तथा शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों तथा कार्यविधियों के आलंबन पर बल दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण पर, किस पे? आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण पर निरीक्षक तथा शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों तथा कार्यविधियों के आलंबन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। किस पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक को सभी बातों का ज्ञाता मान लिया जाता है तथा जो आज्ञा वह करता है उचित मान ली जाती है? ये भी आपका आधिकारिक पर्यवेक्षण ही होता है। आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ क्या है? तो वो चाहे कार्य व्यवस्था का सुलभ करना हो, वो चाहे समय तथा साधन दोनों की बचत करना हो, वो चाहे प्रभुत्व के प्रयोग के कारण को शीघ्र करना हो, ये सारे ही आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ हैं। आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण कौन से हैं? तो नियोजन का सरलता से विधियों के अनुसार किया जाना संभव होना, एक निश्चित स्तर पर सुधार का संभव होना, प्रगति की शीघ्रता होने की संभावना। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधिकारिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या है? तो दोष भी आपके ये सारे ही दोष लिखे हैं, विशेष मनोवृत्ति से प्रभावित होना, एकांगी ध्रुव एवं असंगत होना, शिक्षकों के लिए कार्य प्रयोग की स्वतंत्रता का अभाव होना। उपरोक्त सभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस पर्यवेक्षण में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक बालक तथा प्रत्येक संरक्षक गुप्त रचनात्मक शक्ति रखता है? जब रचनात्मक शब्द की बात आ गई तो रचनात्मक पर्यवेक्षण ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक तथा शिक्षक के बीच में नवीन एवं मौलिक बातों को लाता है तथा परंपरागत प्राचीन बातों के आलंबन पर बल नहीं देता? ये भी आपका रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण ही है। रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के कार्य कौन कौन से हैं? तो एक तो यही कार्य लिखा हुआ है कि शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण प्रविधियों तथा कार्यों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कार्य है आपका शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार देना। छात्रों की रुचियों के लिए विकास में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग देना। तो ये सारे ही आपके रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के कार्य हैं। आगे चलिए, रचनात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? सारे ही लाभ आपके, चाहे शिक्षकों को पाठ्यक्रम मूल्यांकन आदि की विधियों के बारे में स्वतंत्र ढंग से सोचने का अवसर देना हो, या शिक्षकों को अपने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता देना हो, या फिर शिक्षकों में आत्मविश्वास तथा आत्म मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना हो, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के मुख्य दोष कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने की अधिक संभावना है, प्रयोगों में अधिक समय का व्यय होना, योग्य पर्यवेक्षकों का अभाव, ये सारे ही दोष हैं रचनात्मक शिक्षण पर्यवेक्षण के।
किस पर्यवेक्षण की यह मान्यता है कि शालाओं के छात्रों में अन्वेषण करने की रुचि तथा वैज्ञानिक आदतों एवं प्रवृत्तियों के प्रभावी उपयोग के कौशल का समुचित विकास किया जाता है। जब बात वैज्ञानिक आदतों की आ गई तो कौन सा पर्यवेक्षण होगा? वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण होगा। एयर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार क्या माने हैं? तो लचीलापन तथा नियोजन, मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता, ये सारे ही एयर ने वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के आधार माने हैं। वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? तो लचीलापन, सुनियोजित एवं वस्तुनिष्ठ होना, वस्तुनिष्ठ निर्णय को आवश्यक मानना, प्रामाणिकता का अधिक होना, ये सारे ही गुण आपके वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य गुण हैं। वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के मुख्य दोष क्या है? देखो, तीन टाइप के पर्यवेक्षण थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बारी बारी से एक एक करके सारे पर्यवेक्षण की बात हो रही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण में क्या दोष है? तो ये जितने भी दोष लिखे हुए हैं वो चाहे अनेक क्षेत्रों में अभी तक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग ना होना हो, चाहे वैज्ञानिक विधियों का नगण्य प्रयोग हो, या आधिकारिक तथ्यों के आधार पर लिए गए निर्णयों में शंका का स्थान हो, ये सारे ही वैज्ञानिक शिक्षा पर्यवेक्षण के दोष हैं। किस पर्यवेक्षण में शिक्षकों की समस्याएं प्रस्तुत होने के पूर्व ही उनके समक्ष रखकर उन्हें सचेत कर दिया जाता है? तो यह है आपका संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण। कैसे ट्रिक बनाओगे? सचेत कर दिया जाता है। सचेत का मतलब एक संकेत दे दिया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण। संक्षेपात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में दोष कौन कौन से पाए जाते हैं? तीनों दोषों को पढ़ लीजिए, ये तीनों ही दोष आपके पाए जाते हैं संकेतात्मक शिक्षा पर्यवेक्षण में। नेतृत्व शिक्षा के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। आगे चलिए, उपरोक्त सभी आंसर होगा, और ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जाम में भी उपरोक्त सभी ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आंसर होगा कि नेतृत्व शिक्षा जो है, नेतृत्व शिक्षा के जो मेन मेन गुण हैं ये आपके सामने लिखे हैं। शिक्षण संबंधी नवीन गतिविधियों से परिचित कराना हो, या यथार्थवादी होना हो, या छात्रों या शिक्षकों को समाज के साथ जोड़ना हो। मुख्य दोष कौन कौन से हैं? तो यहाँ भी उपरोक्त सभी आपके ये सारे ही दोष हैं। नेतृत्व का हमेशा निस्वार्थ एवं उत्तम होना संभव नहीं है। नेतृत्व की छिड़ता शिक्षा को भी छिड़ बना देती है। अत्यधिक सत्ता का उपयोग होता है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? ये सारे ही कारक, वो चाहे नेतृत्व कौशल हो या पर्यवेक्षण की निकटता हो, वो चाहे प्रबंधकीय ज्ञान का अभाव हो। एक क्वेश्चन रह गया क्या, ये आ जाओ 34 नंबर पे। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? एक तो सामाजिक आवश्यकता होगी, अध्यापकों पर अधिभार होगा, नवीन शिक्षण विधियों के विकास के कारण, तो सारे ही आपके कारण है। उपरोक्त सभी आप आंसर मार्क कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का क्षेत्र किन बातों तक विस्तृत है? तो पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है वो शिक्षण कार्य तक, विद्यालय वातावरण तक, और पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया तक क्या है? विस्तृत है। उपरोक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। एक पर्यवेक्षक को अपने व्यवसाय से संबंधित किन कार्यों को करना पड़ता है? तो अपने व्यवसाय से संबंधित उसको ये सारे ही काम करने पड़ेंगे। वो चाहे क्लास का निरीक्षण करना हो, वो चाहे कार्यालय का कार्य करना हो, वो चाहे शिक्षक गोष्ठियों का आयोजन करना हो। पेखन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो टोटल 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। किसने? पेखन ने। आर बर्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं? इन्होंने पर्यवेक्षण के टोटल 4 सिद्धांत बताए हैं। और ब्रिक्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं, या जो सिद्धांत बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स तथा जस्टमैन ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के 3 सिद्धांत बताए हैं, सहकारिता, उत्साहवर्धक एवं प्रभावी, और लचीलापन। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर टॉपिक भी खत्म होता है। आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तक हमें डिस्कस करना है। 8 के बाद नेक्स्ट जो 8 टॉपिक है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट इस टॉपिक की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हमको मिलेंगे। बाकी अब आगे की जो चैप्टर है ना, वहां पे आपके वही नॉर्मली 25, 30, 35 क्वेश्चन है। एक आधे टॉपिक भले ही ऐसे हों जहां आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, वरना बाकी में 20, 20, 25, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 8 नंबर टॉपिक का पहला क्वेश्चन। टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल एज स्कूल सुपरवाइजर, दैट मींस प्रधानाचार्य विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में। देखिए, प्रधानाचार्य जो है वो भी एक तरीके से हमारे विद्यालय का पर्यवेक्षक होता है, आप इस बात को अच्छे से जानते हो। और अगर ये हमारे
प्रधानाचार्य विद्यालय का हमारा पर्यवेक्षक होता है, तो कौन कौन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक क्या है? देखो, प्रधानाध्यापक पहली बात तो एक शिक्षक भी है, वो एक निरीक्षक भी है, वो एक अभिभावक भी है, उपरोक्त सभी है। अभिभावक किसका है? अभिभावक एक तरीके से वो छात्रों और जो टीचर वहां पढ़ा रहे हैं उन सब का है। निरीक्षक तो है ही, और हर एक प्रधानाध्यापक अपने आप में एक शिक्षक भी होता है। किसे छात्र, शिक्षक, निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित रखना पड़ता है। एक प्रधानाध्यापक का ये काम होता है कि छात्र छात्र के बीच, शिक्षक शिक्षक के बीच, शिक्षक निरीक्षक के बीच, शिक्षक अभिभावक के बीच जो भी संबंध है उनको संतुलित रखे। किसके? शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर है, तो वह प्रधानाचार्य ही है। विश्व में कुछ ही व्यक्ति प्रधानाध्यापक से अधिक उच्च कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व रखते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। आगे चलिए। निम्न में से किसे अपने विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उन्हें नियोजन करना आवश्यक है? तो वो है प्रधानाचार्य। देखो, प्रधानाचार्य का जो डिसीजन होगा वो सबके लिए मानने वाला होगा, तो प्रधानाचार्य को अगर कोई भी क्रिया करनी है, कोई भी कार्यक्रम करनी है, तो उसको सोच समझ कर पहले से नियोजित करके उसको करनी चाहिए। प्रधानाध्यापक को नियोजन कितने स्तरों पर करना चाहिए? तो प्रधानाध्यापक का जो नियोजन है उसको 3 स्तरों पर करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानाचार्य ही करता है। निम्न में से किसे कार्य का विभाजन करते समय उसे शिक्षकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए? प्रधानाध्यापक को। अगर काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो किसको कौन सा काम करने में रुचि है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। किसको कार्य का विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों का यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए। प्रधानाध्यापक ही कार्य तय करेगा, तो उसी को ये डिसाइड करना पड़ेगा। निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं तथा पाठों की योजना तैयार करवाए? प्रधानाध्यापक का ही ये कार्य है। विद्यालय में विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन कौन करवाएगा? प्रधानाध्यापक करवाएगा। विद्यालय के सत्र के दौरान कक्षा निरीक्षण की व्यवस्था कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। विद्यालय में कक्षा प्रोन्नति के नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो प्रधानाचार्य करता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाफट देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं। जस्ट अ मिनट, मैंने पेज क्रॉप कर दिया क्या, हट गया क्या पेज? नहीं 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 ठीक है, यही पेज तो था, यहां तक तो हो चुका था। एक मिनट देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट टाइम दीजिए थोड़ा सा। अभी तक हमने कहां तक बातें की? 13 नंबर तक। चलिए यहां से बातें करनी है 40 नंबर से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सर्वप्रथम शिक्षक है और फिर प्रशासक? तो आप अच्छे से जानते हो कि एक प्रधानाध्यापक पहले शिक्षक है, उसके बाद शासक है। निम्न में से किसी विद्यालय में 12 से 15 क्लास तक शिक्षण कार्य करना चाहिए? प्रधानाचार्य को। एक प्रधानाचार्य ऐसा है जिसको 12 से 15 दिन तक शिक्षण कार्य भी करना चाहिए। प्रधानाचार्य का कक्षा में प्रवेश किस रूप में होना चाहिए? तो एक मित्र के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, इन सभी रूप में ही प्रधानाचार्य का कक्षा में प्रवेश होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करते समय शिक्षक के किस व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षक के स्वभाव का, उसकी रुचि का, उसकी योग्यता का, इन सब का ध्यान उसको रखना चाहिए। निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व चरित्र की शुद्धता, दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति पर बल दिया है? तो वो आपके वार्ड जी रीडर और ब्रे, इन दोनों ने ही ज्यादा बल दिया है। माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक में मुख्यतः किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? किशोरावस्था का। प्रधानाध्यापक जो है बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, किशोर होना चाहिए। निम्न में से किस स्कूल के प्रधानाचार्य को मुख्यतः किशोरावस्था की विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है? वो माध्यमिक स्कूल है। कौन से स्कूल है? माध्यमिक स्कूल। कौन व्यावसायिक ज्ञान के अभाव में अपने पद के दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? वो हमारा प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य निम्न में से किसका नेता होता है? तो वो शिक्षक वर्ग और समाज दोनों का नेता होता है। एक प्रधानाचार्य के
वयिक्त गुण कौन सी हैं? तो चाहे वो उत्तम स्वास्थ्य हो, चाहे स्फूर्ति हो, चाहे अच्छी आदतें हो, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी एक प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए। किसी प्रधानाचार्य का व्यवसायिक गुण कौन सा होना चाहिए? तो व्यवसायिक ज्ञान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, विद्वता होनी चाहिए। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, प्रधानाचार्य विद्यालय गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता। ये कथन किसका है? ये कथन जेवी सीयर्स का है। किसका कथन है? जेवी सीयर्स का। जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा, यह उक्ति किसके लिए कही गई है? यह उक्ति प्रधानाध्यापक के लिए ही कही गई है। किसका मत है कि विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु है, या प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता नियंत्रित करती है? ये मत है जसवंत सिंह का। विद्यालय के कार्यकलापों में प्रधानाचार्य का चरित्र किस रूप में प्रतिबिंबित होता है? तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके राइट आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राचार्य का विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा इनके माता पिता तथा सामान्य पर कितना प्रभाव पड़ता है? तो सेकेंडरी शिक्षा रिपोर्ट जब आई थी तो सेकेंडरी शिक्षा आयोग में ये बात कही गई थी। निम्न में से कौन वह बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय पद्धति घूमती है? वो है आपके प्रधानाध्यापक। शिक्षा संस्था की किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नहीं निकल सकता जब तक उसका प्रशासन कुशल और विचारात्मक ना हो। ये कथन है केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड का। निम्न में से किस लेखक ने प्रधानाध्यापक की तुलना जहाज के कप्तान से की है? वह है W.M. रायबर्न। कौन है? W.M. रायबर्न। किसका मत है कि जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा? इनमें से जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं कोई भी नहीं सही है, ना ही जॉन्स का, ना ही रेलर का, ना ही मॉर्फेट का। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। यह मत किसका है? पीसी रैन के द्वारा यह बात कही गई है। आगे चलिए, यह किसका मत है कि सेनाएं निम्न कोटि की नहीं होती बल्कि सेनापति निम्न कोटि के होते हैं? यही बात स्कूलों के लिए भी सत्य है। इनमें से कोई नहीं, ना ही ये लिंडले आर्विक का कहना है, ना ही गेडजेल का कहना है, ना ही कैमेल का कहना है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। शिक्षण क्रियाओं में प्रधानाचार्य द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो चाहे वो पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो, चाहे शिक्षण विधियों की व्यवस्था करनी हो, या मूल्यांकन करना हो, ये सारे ही काम जो है वे एक प्रधानाचार्य के द्वारा किए जाते हैं। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता जो निर्भर होती है वो एक शिक्षक पर निर्भर होती है। प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी कार्य लिखे हैं, वो चाहे मार्गदर्शन देना हो, वो चाहे कार्यभार संतुलित करना हो, या फिर उन्नति के अवसर प्रदान करना हो, ये सारे ही प्रधानाचार्य के शिक्षक संबंधी कार्य हैं। निम्न में से किसका मत है कि विद्यालय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है? हेनरी रिवलिन का ये कहना है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट एक दो क्या 10-12 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 18 के बाद 19 पे आ जाओ। अब हुआ क्या है कि एक पेज जो है वो मुझसे गलती से हो गया है गायब। वापस से मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। ये पेज नंबर था 36 और 36 के बाद नहीं है, तो ठीक है 37 हुआ ये 38। ओके चलिए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे भी आ जाइए। तो कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे और बचे हैं, फटाफट इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उस धन से अधिकतम शैक्षणिक उपलब्धियां भी प्राप्त करना है, यह मत किसका है? ये मत मॉर्फेट का है। किसका है? मॉर्फेट का। निम्न में से किसके द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है? छात्र के द्वारा। छात्र के द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है। आगे चलिए, किस लेखक ने कहा है कि विद्यालय भवन निर्माण पर कुल बजट का 20% व्यय किया जाना चाहिए? मार्फिट का यह कहना है। विद्यालय द्वारा निम्न में से
किसके स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? छात्र के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगला क्वेश्चन, विद्यालय द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए क्या करना पड़ता है? तो भैया सारे काम करने पड़ेंगे, खेल कूद करवाओ, छुट्टी शिविर करो, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम करो, ये सारे काम करने पड़ेंगे विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य के लिए। निम्न में से किसने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्यकलापों को निरूपित किया है? जेसी पारकर ने किया है। किसका कहना है कि महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं? तो ये बात मार्फिट ने भी कही थी, पीसी रैन ने भी कही थी, जसवंत सिंह ने भी कही थी। एक सेकंड, आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी ने नहीं कही थी। सॉरी, ये आप हटा दीजिए, ना ही मार्फिट ने कही, ना ही पीसी रैन ने कही, ये बात इन तीनों में से किसी ने भी नहीं कही, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। महान प्रधानाचार्य किसके अच्छे मित्र होते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है, हम जानते हैं कि छात्र के अच्छे मित्र होते हैं। प्राचार्य के छात्रों के लिए उपयोगी कार्यक्रम करना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके, ये बात सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनैतिक भी है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है तथा जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? वह है प्राचार्य। कौन है? प्राचार्य। प्रवेश से संबंधित नियमों का मुख्य निर्धारण कौन करता है? मुख्य अध्यापक। तो चलिए, सॉरी, प्रधानाचार्य करता है। कौन करता है? प्रधान अध्यापक करता है। इस तरीके से हमने टोटल 8 चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और अब शिक्षा में प्रबंधन, यहां से हमको बात करनी होगी कल की क्लास में, तो पार्ट सेकंड में आप इस चीज को डिस्कस करने को पाओगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपके आगे पूरी टीचिंग लाइफ तक, जब तक आप टीचर नहीं बन जाते। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।